शानदार ये आयोजन देखने का बतावा इस समय बेहतरीन आतिथ्य कर रहा है ग्रेट क्रिकेट क्लब का ये खूबसूरत मैदान। दूसरा सेमीफाइनल ब्रिटेन सुपर किंग दो दूसरी तरफ बात कर रहे हैं फार्मा टाइगर्स, गेंदबाजी बेहद शानदार। फार्मा टाइगर्स के तीनों ही गेंदबाज राहिल खान ने अभी तक चार गेंदों में सिर्फ दो रन कंसीड किए, अनिल एकोबो में सिर्फ पांच रन। और इसके अलावा बात करें रोहित विश्वकर्मा एक ओवर में दो रन देकर के एक महत्वपूर्ण विकेट। देखना होगा इस समय शानदार आयोजन वाकई में केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से केमिस्ट साथियों को एक मंच पे जोड़ने का एकाकार करने की जो सोच है वो प्रशंसनीय। देखना होगा इस समय इस ओवर में अगली बार आगे की गेंद ऑफिस में ठीक तरीके से गेंद आई नहीं बल्ले पे, हवा में लहराई नो मैन्स लैंड में लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर के बीच से। फिलहाल एक रन से पाटा हुआ इस एक रन के सहारे तीन ओवर में स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे सिर्फ 11 रन। मजबूर किया बल्लेबाज को आगे आकर फट फट पे खेलने से और वहां से बल्ले का बाहरी सिरे से टकराई आउटर एज लेकर के विकेट कीपर के दस्तानों में गॉट बिहाइंड एक और विकेट। आखिरकार पहली बाउंड्री समय चार रन के लिए शानदार आयोजन बाकी नए आनंद शर्मा जी अभी जगेरा जी पूरी उनकी टीम जिस तरीके से राजा कटारिया जी अक्की जैन जी अंकुर सर पूरी टीम जो कार्य करे राधा विश्वकर्मा जी जाने माने आपको बता दें कि केमिस्ट के जाने माने व्यक्तित्व है और खेल के मैदान में जिन्होंने संजोया है और आज की पारी लाजवाब रही कपिल गुप्ता जी की पारी ने प्रभावित किया ये वो खिलाड़ी पारी नहीं मानो पराक्रम नजर आए 74 रन की पारी मैच विजेता के तौर पर नजर आई वो इन्हें। फिलहाल तेज हवाओं के बीच इस समय दूसरा सेमीफाइनल लाजवाब ये क्षण देखने को मिल रहा है। देखना होगा इस समय
इस बार ये शॉट बेहतरीन अनुकूल परिस्थितियां है हवाओं के साथ ये शॉट और दूरी तय करेगी मिड विकेट के ऊपर से छह रन के लिए शानदार आयोजन केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी दूधिया रोशनी में माना एक सपना होता है फ्लडलाइट्स में खेलना और ये कारवां ये खूबसूरत क्षण जो देख रहे हैं आप ये केमिस्ट साथियों ने आनंद शर्मा जी और उनकी टीम ने प्रदान की है फिलहाल दूसरा सेमीफाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला जाहिद और सुनील अहिरवार बीच मैदान में फिलहाल 21 रन 2 विकेट पे सार्थकता नजर आ रही है मेहनत और निष्ठा का प्रतिफल है फिलहाल 23 रन 2 विकेट पे वाइट के सहारे रिटेल्स को ठीक पहले बैटिंग कर रही थी जाहिद ने एक छक्का एक चौका लगाकर जो इनके ऊपर दबाव था फिलहाल इस समय 24 पे 2 बेहतरीन मुकाबला दूधिया प्रकाश में नहा ये मैदान साक्षी बन रहा है देखना होगा इस समय विकेट सुपर किंग मेडिसिन ने बात है दूसरी तरफ फार्मा टाइगर से आपने सामने मेडिसिन स्ट्राइकर स्पाइनल में नजर आ रही थी मेडिसिन स्ट्राइकर्स आज रात को भिड़ने वाली है फाइनल में एक खिताब के लिए खूबसूरत ट्रॉफी के लिए स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे 25 दो विकेट के नुकसान पे देखना होगा शुरुआती 3 ओवर में सिर्फ 11 रन थे पिछले ओवर में जरूर 14 रन आए धर्मेश के ओवर से और थोड़ी सी खोई हुई लय थी वर्जित कर रही है बैटिंग टीम बात करें रिटेल सुबह की चाहेंगे टीम रिटेल से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि किस तरीके से हर एक एक छोटी छोटी चीजों का एक एक ओवर की अहमियत क्या है शायद बेहतर तरीके से वापसी की झलक देखने को मिले सुनील और जाहिद बीच मैदान में है दौरे की कमान लेकर अमित शर्मा देखना होगा इस समय फील्डिंग आगे देखने के खिलाड़ी टीम पर विकेट पे है एक बाजू स्मार्ट लेग पे एक लॉन्ग ऑन है एक लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी जरूर अगर बात करें मिड ऑफ और एक्सट्रीम ओवर के बीच में रखा है जबरदस्त आयोजन
श्रम करेंगे इस समय अतिरिक्त गति और उछाल देखने को मिला एक्स्ट्रा बाउंस इसकी मौसम ने भी अपने मिजाज बदले हैं और आज देखिए गर्मी से हल्की से निजात मिली है साक्षी बन रहा है एक बार पुनः आप सबका अभिवादन स्वागत बल्ले का ऊपरी से ऐसे टकराए विकेट कीपर के बेहद नजदीक लेकिन फील्ड नहीं कर पाए लगातार अनुशासित गेंदबाजी नजर आ रही है दूसरी तरफ जो टीम है बात करें फार्मा टाइगर्स कमेंट्री बॉक्स में भूमिका से आवाज रेडियो टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं टोक्यो ओलंपिक नेशनल गेम्स इस बार हॉकी विश्व कप में और मेरा भी सौभाग्य आपके बीच आने का केमिस्ट के साथियों के साथ क्षण व्यतीत करने का सागर सर का साथ में पूरी टीम जो काम कर रही है इस समय हमारे ऑफिसर्स की साथ ही साथ आए हुए सभी के साथियों का उनके फैमिली मेंबर्स का सबका अभिवादन जिन्होंने इस आयोजन को इतना आत्मीयता से स्वीकार किया है मेरे दोस्त रजत भाई भी आए हैं उनका भी स्वागत इस समय और इसी बीच शब्द करेंगे सुनी रही बार मुश्किल में थे लगभग चलना शुरू कर दिया था लेकिन किस्मत ने साथ दी हवाओं ने साथ दी तो फिलहाल नो मैच लैंड में और जितेंद्र धाकर सर आप जानते हैं गाना पेशा नाम भोपाल शहर का लगातार क्रिकेट साथियों को भी एक मंच पे जोड़ने का कार्य करते हैं जितेंद्र धाकर सर का भी हम बहुत तहे दिल से अभिवादन करते हैं खेल की परंपरा जितेंद्र धाकर सर ने ही शुरू की थी और अब और नए आयाम और नए भव्यता पे आयोजन पांच ओवर 27-2 रिटेल सुपर किंग पांच ओवर में स्वागत आप सभी का बहुत ही शानदार इसे खेल के रोमांच के आप केंद्र में हैं क्योंकि हमारे साथ इस समय खेल प्रेमी और उनसे जुड़े हुए तमाम व्यक्तित्व अपने खेल कौशल न सिर्फ अपने बेहतरीन कार्य के लिए जाने जाते हैं लेकिन खेल के मैदान में भी आप लोगों की निष्ठा प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति देखने लायक है फिलहाल पांच ओवर में 27-2 विकेट पे जाहिद है 12 पे सुनील है 5 पे रोहित विश्वकर्मा एक ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट अमित शर्मा एक ओवर में भी 2 रन दिए इन्होंने भी बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी फिलहाल इस बार जरूर वाइड का इशारा पाएगा इसे 31 रन के सहारे 28 रन 2 विकेट पे 5 ओवर का खेल हो चुका है 10-10 ओवर के सेमीफाइनल के मुकाबले सेंसेशन फॉर्मेट में खेला जा रहा है ये
बेहतरीन आए टूर्नामेंट इसी बीच इस समय ओवर पिच के क्रॉस बैठे क्रीज के डेप्थ का इस्तेमाल किया हार्दिक पांड्या की तरह अंदर चले गए क्रीज में और बेहतरीन शिकार है विकेट के ऊपर से शॉट पॉइंट की तरफ गेंद पहुंचे समय एक गेंद जरूर आता हुआ पिछले छक्के के बाद अब धीरे धीरे के विशाल लक्ष्य की तरफ भी बढ़ने लगी है हालांकि अभी भी स्कोर बोर्ड पे 35 पे दो हवा चल तेज हवाएं चल रही है कम से कम 100 के आसपास पहुंचना होगा फिलहाल बॉल जरूर यहां पे चिपकी और बैट बॉल का इशारा इस समय बेहतरीन माहौल सुपर संडे है खास करके ये एक शानदार आयोजन जिस तरीके से चेमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से सभी व्यक्तित्व इस आयोजन में जुड़ते हैं परिवार के लोग आए हैं सबका अभिवादन हमारे बहुत तुल्य ये आयोजन की ही सार्थकता है चेमिस्ट व्यापार से जुड़े हुए व्यक्तित्व है बड़ी कोरोना काल में भी विपरीत हालातों में आपके लिए सेवाएं दी इन्होंने मानवीय सेवा की एक अलग निशान पेश की और वो व्यक्तित्व को खेलते देखना एक अलग ही एहसास है फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे 36 में दो पारी के छठे ओवर में फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 38 रन दो विकेट पे पारी के छठे ओवर में ड्रोन कैमरा आप जान सकते हैं अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ इस आयोजन में तारीफ करनी होगी पूरी मैनेजमेंट टीम आनंद शर्मा जी अंकित जैन जी बात करें दानव विश्वकर्मा जी अमित जगेरा जी राजा कटारिया जी और दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे भरत मिलाप की संख्या बना नजर आई जाना होगा पवेलियन में एक दूसरे को निहारते रहे सबको एकजुट करना और खेल के लिए जिस तरीके से सोच रही है वाकई में बधाई के पात्र फिलहाल नजर आ रहे समय रिटेल सुपर किंग है 37 पे 3 पिछला विकेट गंवाया उसके बाद अब देखना होगा क्या स्ट्रैटी रहेगी फिलहाल इनिंग का ये सिक्स ओवर रनिंग छठा ओवर है पारी का देखना होगा इस समय रोहित विश्वकर्मा आज विश्वकर्मा बहुत विश्वसनीय गेंदबाजी कर रहे हैं नाम के अनुरूप देखना होगा इस समय इसी बीच अच्छी गेंद तेज हवाओं के बीच कंडीशंस को एडॉप्ट करना भी थोड़ी चुनौती रहा करती है न सिर्फ बल्लेबाजों के लिए गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होता कि प्रॉपर सही दिशा में गेंदबाजी की जाए ज्यादा मुश्किल है बॉलिंग करना ऐसे कंडीशन में फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर आ रही 37 रन 3 विकेट पे रिटेन सुपर किंग स्कोर
रोहित ऑनको केयर बुकाती मेडिकल एजेंसी दिशा फार्मा पटेल एंड कंपनी आभास फार्मा स्वास्थ्य मेडिकल एम्स के द्वारा मानव स्थिति में बातचीत दी जाएगी। डाबर इंडिया जाना पहचाना ब्रांड राधे राधे एंटरप्राइजेस एसीओ सर्जिकल प्रोडक्ट्स जितेंद्र ठाकर जी और उनकी टीम जिनके द्वारा खिलाड़ियों को इस समय ट्रॉफी प्रदान की जाएगी जिसे डॉक्टर सर और उनकी टीम का भी थैंकफुल बना। इस इमेज विकेट मिलता हुआ शानदार कामयाबी क्या बेहतरीन गेम बिल्कुल ब्लॉकों में मैदान में तो बात करें खेल चल ही रहा है केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। मैदान के बाहर जो बच्चों में जो उत्साह है बीपीसीएल बच्चा पार्टी प्रीमियर लीग मैदान के बाहर भी रोमांच के केंद्र बिंदु बने हुए ये बच्चे वाकई में पढ़ाई का जो बोझ है उससे आज जरूर थोड़ी निजात मिली है। ऐसे में लगातार सीबीएसई और बोर्ड से अलग अलग राज्यों की इस बात पर विचार कर रहा है जो किताबों की जो वजन लगातार बढ़ती जा रही है मानसिक तौर पर जो तनाव बढ़ता जा रहा है बच्चों में ऐसे आयोजनों में शामिल हो और एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ उनके अंदर भी। फिलहाल 37 रन 3 विकेट पे विजय सुपोकी जबरदस्त माहौल खेल के लिए बड़ा मुकाबला है विजय सुपोकी और फार्मा टाइगर्स आमने सामने है दो बड़ी टीमें। मेडिसिन स्ट्राइकर्स पहले ही पहुंच चुकी है फाइनल में आनंद शर्मा जी की जबरदस्त टीम लेकिन ये तो बड़ी टीमों का जंग है इनमें से देखना होगा कौन सी टीम फाइनल की टिकट पक्की कर पाएगी। बेहतरीन यह मुकाबला यकीन तौर पर फाइनल मुकाबला से पहले भी एक मैट्रिक मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल बॉय का इशारा पाए का इस समय अपने क्रम के सहारे शोर में जा पाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल है और दूसरे सेमीफाइनल में गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की हो रही है। फार्मा टाइगर्स आज दहाड़ रहे हैं टाइगर्स गेंदबाजी बात करें रोहित विश्वकर्मा 12 रन देकर एक विकेट अनिल राहिल खान धर्मेश और अमित शर्मा सबने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। रंग बिरंगे झंडे इस आयोजन की और ज्यादा बात करें बहुरंगी छवि प्रस्तुत करते हुए जबरदस्त मैच देखने का मन रहा है इस समय देखना होगा क्या रणनीति रहती है आने वाले ओवर्स में यहां से सचिन एक बार स्कोर जाओगा चला जाए 38 रन आफ्टर 6 ओवर्स कंप्लीटेड 7 ओवर की समाप्ति के बाद 38
बहुत ही शानदार अंदाज से ये कार वहां के रखा है कि शॉपिंग ट्रॉफी का रन साइड करते हुए गेम का फिर जी वहां पे ही फिर से बाता हुआ दादा एंट्री के बाद ही शानदार गेंदबाजी नजर आ रही है फिलहाल में नजरदार स्कोर बोर्ड से 38 रन 4 विकेट पे एक सिंगल के साथ 39 रन स्कोर बोर्ड पे पूरी टीम आनंद शर्मा जी आप जानते हैं इस आयोजन के हैं व्यक्तित्व प्रकाश मेडिकल स्टोर साथ ही साथ अंकुर सर अंकित जैन जी राजा कटारिया जी साथ ही साथ गौरव जैन जी अमित जगेरा जी और जानू भाई साथ में जितेंद्र सर का भी हम बहुत तहदिल से अभिवादन करते हैं और यूसुफ सैफी जी ये तमाम व्यक्तित्व जो केमिस्ट एग्जाम पेशे का नाम वाकई में सही बात कही सर आपने फिलहाल इस समय हल्की सी बारिश हुई इस मैदान में लगातार मौसम वैज्ञानिकों से बात भी चल रही थी आयोजन समिति की हल्की सी बारिश की आशंका जाहिर की थी मौसम वैज्ञानिकों ने और उसकी हल्की सी झलक देखने को मिल रही है इस समय हमारे स्कोर बैक टू बोलियन वेलकम बैक सचिन शानदार ये आयोजन तारीफ करनी होगी पूरी टीम जो काम कर रही है केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत अच्छा आयोजन आनंद शर्मा सर उनकी टीम का बेहतरीन ये सोच नजरिया सबको एक मंच पे जोड़ने की रिटेल सुपर की 41-4 पारी के आठवें ओवर में 41 रन 4 विकेट पे बहुत ही शानदार आयोजन वाकई में हम आशा करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि बारिश ना हो ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन खेल देखते रहें एक्साइटमेंट से भरपूर एनर्जी ऊर्जा से लबरेज साथ ही साथ हम तमाम स्पॉन्सर्स का थैंकफुल रुद्रा एंटरप्राइजेज रोहित ऑनको केयर मुकाती मेडिकल एजेंसी दिशा फार्मा पटेल एंड कंपनी आभास फार्मा स्वास्थ्य मेडिकल एम्स डाबर इंडिया राधे राधे एसीओ सर्जिकल जितेंद्र ठाकर जी और उनकी टीम वर्धमान मेडिकल एजेंसी शिवा फार्मेसी प्रकाश मेडिकल भवानी डिस्ट्रीब्यूटर कमल एजेंसी ओम मेडिकल वर्ल्ड और अतुल मेडिकल इन तमाम में हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत थैंकफुल देखना होगा हल्की सी बारिश के बीच इस समय रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है 48 रन 4 विकेट पे पारी के आठवें ओवर में जाहिद 21 में है और रॉकी मेघानी है बल्लेबाज रॉकी को आज रॉकिंग पारी खेलनी होगी नाम के अनुरूप को इस ओवर की तीन गेंदें आने बाकी है तीन गेंदें इस ओवर की अभिवादन करते हैं आयोजन समिति की तरफ से देखना होगा सर स्कोर बोर्ड पे अभी भी 48 रन 4 विकेट पे पाली के आठवें ओवर में तीन क्वेश्चनों के लिए रुका हुआ पारी का 8वां ओवर है स्कोर बोर्ड पे 48-4 विकेट सुपर किंग्स पहले खेल रहे हैं
दूसरी तरफ बात करें टीम है फार्मा टाइम हाउस, हल्की सी बारिश, अंपायर मुआयना कर रहे हैं पिच का। आयोजन समिति के तमाम अहम व्यक्तित्व आनंद शर्मा सर, अर्पुर सर, पूरी टीम पिच का मुआयना करेगी। प्लेइंग कंडीशन है और लगातार मैच को जारी रखा जा सकता है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं है, जरूर हम चाहेंगे मुकाबला जारी रहे ऐसे ही और एक बेहतर रोमांच देखने को मिले। राजेश अग्रवाल सर का भी स्वागत करते हैं।
પુષ્પલો મે બસ સેકન્ડ સે મે ફાઇનલ થઈ મેચ વાપસ શરૂ હોગા ઓર હમ આશા કરતે હે કે બારિશ ન દેખને કો મિલે ઓર યે મુકાબલા પૂરે અપને શબાબ પે હો રોમાંચ કી જિસ તરીકે સે ચેમ્પિયન્સ કેમિસ્ટ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી કે સાથીઓ ને ઇતના ખૂબસૂરત યે સ્વાગત કિયા હે સબકો એક મંચ મે જોડ કરકે વો પ્રશંસનીય હે વાકી મે ઓર વાપસ અપ મુકાબલે કી શરૂઆત હોની હે જબરદસ્ત અંદાજ મે યે મુકાબલા દેખને કો મિલેગા દો બડી ટીમે रिटेल सुपर किंग वर्सेस फार्मा टाइगर्स। रिटेल सुपर किंग पहले बैटिंग करते हुए 48 रन 4 विकेट पे पारी के समय आठवें ओवर में जाहिद और रॉकी मेघानी है बीच में रन। देखना होगा आगे किस कदर बैटिंग करते हैं। वापस मुकाबला शुरू हो रहा है, स्वागत पुनः एक बार फिर से आप सभी का। मैदान का ड्रेनेज सिस्टम देखना अच्छा है, इतनी बारिश से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुकाबला मुझे पूरा उम्मीद है कि वापस जबरदस्त अंदाज में वैसे ही रोमांच को आप महसूस कर पाएंगे जैसा कि अभी 15 मिनट पहले आप महसूस कर रहे थे। वहीं पर एक बार मुकाबला आईपीएल का चल रहा है, मुंबई इंडियंस देखे इस मैदान में। ग्रीन और रोहित शर्मा इस मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। देखना होगा इस समय वो सामने सर खड़े हैं राहुल सर, उनसे निवेदन है थोड़ा साइड हो जाए सर। बहुत ही बढ़िया आयोजन बाकी है देखने को मिलता होगा। एक और वाइट एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड पे इस समय 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिटेल सुपर किंग ऐसी टीम है, ये टीम 80-85 रन भी बना ले तो मेरा मानना है कि स्कोर को बहुत फाइटिंग कर सकते इस मैच को, ये नहीं भूलना होगा। रिटेल एक बार फाइनल खेल चुकी है तो एक अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है। देखना होगा इस समय और एक हमारे लाजवाब खिलाड़ी कपिल गुप्ता सर इस बात से जरूर सहमत है, यही तो खूबसूरती है इस आयोजन की। आप सबका ऐसे स्नेह बना रहे लाजवाब आयोजन बाकी है। पारी का यह आठवां ओवर 49 रन 4 विकेट पे केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी एक नए अंदाज में आप देख रहे हैं इस समय फ्लड लाइट्स में, यानी कि दूधिया रोशनी में फिलहाल बाइक का इशारा अंपायर का। 50 रन पूरे हुए इसी के साथ रिटेल सुपर किंग के। इस ओवर की 3 गेंदें अभी हुई है सिर्फ। बहुत ही जबरदस्त माहौल देखने को मिलता हुआ। एक और वाइड देखना होगा इस समय। बॉलिंग का मान पे चला अंकित शर्मा। बहुत अच्छा शॉट, खिलाड़ी है वो सोल, क्या कहने एक बार लगा कि शायद कैच ले लिया हो लॉन्ग बॉल पे। एक बड़ी बात करें कामयाबी मिल सकती थी लेकिन गवाया इस अवसर को। रन 53 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 8 ओवर्स इन प्रोग्रेस। मुंबई इंडियंस वहां फ्लॉलेस खेल रही है। इनिंग का फिलहाल 8वां ओवर है, अतिरिक्त रन इस समय में और
क्या कहने बल्लेबाजी के, अब धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए दोनों बल्लेबाज रॉकी मेघानी और जाहिर, तेज गति से रन बनाते हुए। खेल को अच्छा रुका हुआ देखना होगा, इस समय हल्की सी बारिश के बीच ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है और संभवतः कवर्स अंपायर ने वहां पे मंगाने के निर्णय लिया है कि कवर्स मंगाया जाए क्योंकि बारिश पिच को ज्यादा क्षति न करे। और श्री महासागर एक बार जी और पूरे आयोजन समिति के हैं व्यक्तित्व। आपको बता दें हमारे साथ जानी मानी हस्तियां भोपाल शहर की लेजेंड बात करें लेजेंड्स और जो कि केमिस्ट के जो साथी है लेजेंड्स आपस में भिड़ेंगे आज के मुकाबले में। ये आयोजन की सबसे अनूठी बात होगी जब ये तमाम व्यक्तित्व आमने सामने होंगे। इससे भी मानव के बाद केमिस्ट के लेजेंड सामने सामने रहने वाले हैं, जबरदस्त माहौल रहेगा और खास करके इस खूबसूरत इस आयोजन में केमिस्ट आपस में टकराने वाले हैं इस मैच के बाद। तो शहर के जाने वाले केमिस्ट हैं, एक शानदार माहौल देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 4 विकेट पे आज भी 2 ओवर का खेल आना शेष है। देखना होगा इन 2 ओवर में कितने रन की चुनौती दे पाएगी रिटेल सुपर की। जाहिर 23 पे है, रॉकी 1 पे है, देखना होगा बॉलिंग की कमान अब किसे दी जाती है। मुकाबला दिलचस्प है, लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल मिड विकेट स्कारलेट 1 पॉइंट 1 गली। इसे भी शॉट ऑफ द लेन गेंद पूरा वजन लिया पिछले पावों पे, खेला मिड विकेट लॉन्ग बॉल के बीच से 1 रन पूरे किए। दूसरे के लिए आगे आना चाहते थे बल्लेबाज, मना किया बल्लेबाज ने। जाहिर 24 पे, रॉकी 1 रन पे, 12 गेंदों में 18 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है जो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगा रही है रिटेल सुपर किंग की। आखिरी 11 गेंदें आनी बाकी पहली बारी में, कितने रन और एड कर पाएंगे अपने स्कोर में
आगे की गेंद इस बार नॉकआउट में खेला, इस समय स्वयं गेंदबाज आए अपनी बाई तरफ शॉर्ट कवर्स की तरफ आकर फील्ड कर रहे हैं सिर्फ एक रन के लिए। स्कोर बोर्ड पे अब तक 56 चार विकेट पे पारी के 9 ओवर में। प्रबंधन समिति के अहम व्यक्तित्व अमित जंगेला जी, सभी साथ बात करें आनंद शर्मा जी, राजा कटारिया जी, रानू विश्वकर्मा जी, अंकित जैन जी, सभी जो इस आयोजन में सभी रिटेल और बात करें खास करके जो केमिस्ट से जुड़े हुए व्यक्तित्व है सबका अभिवादन। जानी मानी हस्तियां केमिस्ट की आई है शहर की प्रतिष्ठित वो शख्सियत। बॉल इससे भेजते समय लॉन्ग बॉल ऑपन विकेट के बीच से बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। जाहिद ने अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं, बहुत निर्णायक मुकाबला है सेमीफाइनल का, यहां गलतियां नहीं कर सकते। आए हुए शहर के तमाम प्रतिष्ठित केमिस्ट से जुड़े हस्तियों का हमारे अभिभावक तुल्य व्यक्तित्व आए। मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर अपनी उपस्थिति जाहिर करें, माननीय सर का सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति जाहिर करें। आखिरी ओवर में कितने रन बना पाएगी थी देखना होगा। इस समय बॉलिंग की कमान पर आए हैं धर्मेश, स्ट्राइक पर जाहिर, बड़ा मुकाबला। इसी बीच गेंद इस समय हवा में है, खिलाड़ी उस ओर क्या कमी कर पाएंगे। जी हाँ, कामयाबी, बहुत बड़ा विकेट है जाहिद के रूप में, 30 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि जो वाले भी आप थोड़ा सा आवाज कम कर ले। बाजार के केमिस्ट के तमाम बड़े लीजेंड्स आमने सामने होंगे, कितना सौभाग्य की बात है। नवा बाजार एक जाना पहचाना नाम है और वहां के तमाम बड़ी हस्तियां हमारे बीच आ चुकी है, उनको खेलते देखना सौभाग्य का विषय रहेगा। उनके नामों की भी उद्घोष कुछ क्षणों में करने वाले हैं। फिलहाल विकेट मिला एक और, तमाम केमिस्ट लीजेंड्स आमने सामने होने वाले हैं इस मैच के बाद। फिलहाल
ये मुकाबला है फार्मा टाइगर्स और रिटेल सुपर किंग. रिटेल सुपर किंग बना चुके हैं 63 रन 7 विकेट पे आखिरी चार गेंदे. इस पहली पारी की आनी बाकी 63 के साथ जबरदस्त मैच में बनता हुआ. क्या शानदार आयोजन केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का. केमिस्ट के लीजेंड्स दबा मजार की जानी मानी हस्तियां आज के मैच में भिड़ेगी और उनको खेलते देखना एक आकर्षक का केंद्र रहेगा. हमारे साथ आदरणीय राकेश जैन सर पहुंच चुके हैं कमल एजेंसी के बात करें प्रोप्राइटर. आपको बता दें एक टीम के कप्तान हमारे साथ इस समय और राकेश भोगिया जी बंटी भाई हैं और एक तरफ अजय वर्मा जी. जबरदस्त मैच रहेगा अगला मैच भी. फिलहाल पारी का आखिरी ओवर स्कोर बोर्ड पे 65 रन 7 विकेट पे. जबरदस्त मुकाबला. रिटेल सुपर किंग पहले बैटिंग कर रही थी. रिटेल आप जानते हैं इन्हें बहुत अनुभव है छोटे छोटे मौके को बेहतर अंदाज में तब्दील करना. बिजनेस सेंस से कोई बेहतर नहीं कर सकता. रिटेल सुपर किंग देखना होगा एक रन के लिए निकले जहां हथेली पे लेकर ये रन निकले थे. फिलहाल एक रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने. स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे 67 रन बनाए हैं 68 रन की चुनौती दी है. बात करें फार्मा टाइगर्स को 68 रन बनाने हैं 68 रन की चुनौती है. एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन के साथ. Thank you.
स्वागत है आप सभी का केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के इस खूबसूरत आयोजन में। फिलहाल मैच को जीतने के लिए फिर से एक रन का है और अब दोनों ही अपने बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने पहुंचे हैं। हल्की सी बूंदाबांदी के बीच रोमांच के केंद्र में खेत क्रिकेट मैदान इस समय, और मैं कह रहा था कि ऑकलैंड विलिंगटन क्राइस्टचर्च जैसा माहौल लगता है न्यूजीलैंड के, और वाकई में वैसे ही मौसम भी आज नजर आता हुआ आए हुए हार्दिक अभिवादन इस समय। तो फिलहाल अब देखना होगा दूसरा सेमीफाइनल है, दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंदबाजी है। निगाहें रखिए पूरे जानी मानी हस्तियों के बीच ये कारवा है खेल का, केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, आप सबका हार्दिक अभिवादन। जबरदस्त माहौल इस टीम की गेंदबाजी, इनकी बड़ी पहचान रही है, जबरदस्त ख्याति रही है। रिटेल सुपर किंग आसानी से रन नहीं बनाने देते, रिटेल जैसा नाम है, टुकड़ों में रन बनाना होगा इनको, प्रतिद्वंदी टीम को देखना होगा। इस समय एक एक रनों की अहमियत रहेगी। जबरदस्त माहौल के हम केंद्र बिंदु बना हुआ यह आयोजन, बहुत अच्छा शॉट सूर्य कुमार यादव की झलक, निकाल दिया वाइकर्स पार्ले के दिशा से चार रन के लिए। टारगेट 68 रन का है, 68 रन, चार रन बन चुके हैं। आदरणीय राकेश जैन सर हमारे बीच कमल एजेंसी से बात करें। फिलहाल गेंद इस समय जरूर थोड़ी देर हवा में लहराई, नो मैन्स लैंड में इस समय बहुत शानदार यह आतिथ्य मेजबानी कर रहा है केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। आनंद भाई जो दिन रात जग करके इतना बढ़िया आयोजन, बड़ी मेहनत इनकी पूरी टीम ने की है। मेडिसिन स्ट्राइकर्स फाइनल में पहुंच चुके हैं सर, ये फिलहाल देखना होगा इस समय। पांच रन पारी के पहले ओवर से रिसोबल के अगले गेंद लेकर के सर ऑपरेशन से बाहर, कट करने की कोशिश, बाकी बता दें कि विकेट कीपर ने, बैटिंग कर रहे हैं अक्षय कुमार जैन और रोहित विश्वकर्मा, बॉलिंग पे आनंद दीक्षित, लंबे कट के गेंदबाज बेहतरीन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं आनंद। अभी तक के केमिस्ट के जितने आयोजन रहे हैं शानदार गेंदबाजी रही है इनकी,
लेकिन आज लक्ष्य ज्यादा नहीं है, हवाओं की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है, 68 रन बनाने हैं 68। राजा कटारिया जी, आनंद शर्मा जी, अंकित जैन जी, पूरी टीम जिस तरीके से, रवि बजाज जी फिलहाल कट किया, क्या शॉट खेला खूबसूरती से स्क्वायर कट के अंदाज में, दूसरे रन के लिए आगे निकले। राजा सर के साथ जो दो व्यक्तित्व है, कृपया थोड़ा सा साइड हो जाए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 8 रन पारी के पहले ओवर से। निगाहें रहेगी नीरज पे। फिलहाल आईपीएल में मुंबई और सनराइजर्स सामने सामने, सूर्य कुमार यादव और कैप्टन ग्रीन इस समय फॉर्म में, लेकिन यहाँ हालांकि इस चीज के लिए मुझे कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन खेल की दीवानगी है इसलिए आप तक ये चीजें साझा करनी है। फिलहाल 9 रन है स्कोर बोर्ड पे, 68 रन बनाने हैं। देखिए रचनात्मक शॉट, बैक फुट पे पीछे चले गए, फिलहाल समय शॉट पाएंगे की तरफ सिंगल के लिए, 10 रन बिना विकेट के, 10 रन पारी के पहले ओवर से। चुनौती है 68 रन की। इसके बाद केमिस्ट लीजेंड्स आमने सामने होंगे, दवा बाजार के जाने वाले हिस्से। सेमीफाइनल का मुकाबला इस समय रिटेल सुपर किंग और बात करें दूसरी तरफ जो टीम है इस समय फार्मा टाइगर्स, जो सामने सर चले कृपया साइड हो जाए। आपसे विनम्र आग्रह, फिलहाल इस समय चुनौती है 68 रनों की। बहुत ही शानदार आयोजन देखने को मिलता हुआ, ये रोमांच, ये कश्मकश, ये संघर्ष इस आयोजन की सार्थकता को बयां करती है। अच्छी गेंद इस बार अपुष्प से बाहर लॉकल में, 68 रन की चुनौती है। बॉलिंग बहुत अच्छी है रिटेल सुपर किंग के पास, फाइट करेगी ये टीम। सेमीफाइनल का बड़ा मैच है, हमारे साथ राकेश जैन सर, जाना पेशाना नाम इस समय भोपाल शहर में कमल एजेंसी से बात करें ऑनर साथ में। ओहो बहुत ही नजदीकी मामला देखा होगा, जी हाँ उंगली हवा में, बड़ा विकेट ये क्या कह रहे, कामयाबी मिल गई है पहली। कमजोर दिल वाले भी मैच देख सकते हैं क्योंकि केमिस्ट से जुड़े
तमाम व्यक्तित्व है, चिंता की कोई बात नहीं, हर मर्ज की इलाज है इनके पास, देखना होगा इस समय। बहुत ही शानदार आयोजन, 10 रनिंग विकेट पे फॉर्मा टाइगर्स परसेप्शन बनाने हैं जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी नवत और बेहतरीन गेंदबाजी जाहिर, अच्छे ऑलराउंडर हैं, अपने हर संभव खेल का परिचय देते हुए। हम थैंकफुल हैं रुद्रा एंटरप्राइजेस का, रोहित ऑनको केयर, साथ ही साथ मुकाती मेडिकल एजेंसी, दिशा फार्मा। रात 10 रन एक विकेट पे पारी के सेकेंडों में से पटेल एंड कंपनी, आभास फार्मा, स्वास्थ्य मेडिकल एम्स। और इसी बीच एक और विकेट, थ्री बोल्ट की आपूर्ति से क्या कहने जाहिद के, जाहिद ने आज मुकाबले में वापसी करा दी है। इस मुकाबले के बाद इस समय केमिस्ट के लीजेंड सामने सामने होंगे, बड़ा मैच रहेगा, दवा बाजार की जानी मानी हस्तियां होंगी आमने सामने। एक तरफ बात करें वर्मा जी की टीम रहने वाली है, दूसरी तरफ बात करें तो मैं आग्रह करूंगा जरूर कि सामने से हट जाए। पंकज भैया लगातार इस समय मुस्तैद एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को। फिलहाल 10 रन दो विकेट पे पारी के सेकंड ओवर से, दिलचस्प मैच है, जबरदस्त मैच है। टारगेट और सेक्शन क्या है, अगले मैच में मिलेंगे आमने सामने होगी, बेहतरीन मुकाबला देखना होगा। तेज हवाओं के झोंकों के बीच रोमांचक क्षण, क्या जीतेगी रिटेल सुपर टीम या फिर केमिस्ट। शानदार आयोजन, बेहतरीन मुकाबला। लीजेंड से बात करें, केमिस्ट लीजेंड्स के दोनों कैप्टन आ जाए टॉस करा ले। अमित सीएम भी बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मैच है, सेमीफाइनल की जंग। टॉस करा ले अपने दोनों केमिस्ट से लीजेंड्स के कैप्टन। फिलहाल रात्रि के 7:20 हो चुके हैं, समय का भी विशेष ख्याल रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राकेश जैन साहब से कि आप आए और आपके
मार्गदर्शन में आपके सानिध्य में ये फौज की प्रक्रिया संपन्न होगी। बड़ी गौरव का क्षण रहता है जब किसी भी विभाग में हमारे अभिभावक कुल व्यक्तित्वों का आशीर्वाद मिलता है, और आज तो बड़ी संख्या में फैमिलीज के लोग भी आए हैं, बताएं बहनी भी आई है मैच देखने, उनका भी अभिवादन इस शानदार आयोजन में। और लगातार पूरी आयोजन समिति बड़ी निष्ठा के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं पुनः आदरणीय जितेंद्र धाकर सर का, आदरणीय आनंद शर्मा जी, राजा कटारिया जी, अंकित जैन जी, पूरी टीम, रानू भाई, और बहुत शानदार आयोजन। बराबर नजर आ रही समय 24 रन 2 विकेट पे 2 छक्के लगाकर धर्मेश ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि किस दर्जे के बल्लेबाज ने ये प्रेशर को रिलीज किया है, और ऐसे कंडीशन में बड़ी दिलेरी से बैटिंग करते हुए 43 गेंदों में 44 रन चाहिए से जीत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। आगे की गेंद थोड़ी सी होगा पिच पे, मेरा एक्स्ट्रा को बोली तरफ एक रन के लिए। आज हवाओं के झोंकों ने जरूर इस समय आसान नहीं है बॉलिंग करना ऐसे कंडीशन में, और बैटिंग करना थोड़ा आसान अपेक्षा के। अच्छी गेंद इस बार अंकित जैन बॉलिंग करवाते हैं, पारी के तीसरे ओवर में 25 रन 2 विकेट पे स्कोर बोर्ड पे। बैटिंग कर अक्षय कुमार जैन, टीम पे धर्मेश 13 पे, तीन गेंदों में 13 रन, विश्व तक पारी खेल रहे हैं। इस बार ऑपरेशन से बाहर की गेंद, फिलहाल केमिस्ट लीजेंड्स के टॉस की प्रक्रिया हो रही है। राकेश जैन सर मौजूद है, वहां देखना होगा टॉस किसने जीता है। टॉस जीतना ही रेड टीम ने टॉस जीता है, केमिस्ट रेड, और देखना होगा निर्णय बैटिंग। ये मुझे पहले ही आवाज था कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग में मोमन अजय वर्मा सर की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग दिया है। मैं सती भाई का भी शुक्रगुजार और सभी हमारे आए हुए कैमिस्ट साथियों का। बहुत अनूठा आयोजन नजर आता है मुझे ये आयोजन, आनंद भाई और उनकी टीम, मैं टीम से अवगत करा दूं। पच्चीस रन 2 विकेट के नुकसान पे 42 गेंदे आने बाकी है और 43 रन चाहिए। क्या रोचक रोमांचक मुकाबला है। अशोक जोशी जी टीम का नेतृत्व करेंगे, अजय वर्मा जी येलो के नेतृत्व कर रहे हैं, ज्योति भाई बड़ा मुकाबला रहेगा अगला मैच इसी नेटवर्क पे। फिलहाल अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में, आनंद दीक्षित अनुभवी गेंदबाज है, लंबे गत के खिलाड़ी है, क्या इस समय अपने बेहतरीन गेंदबाजी से वापसी करा पाएंगे। 25 रन 2 विकेट पे काल के दर्शन चल गया है, फार्मा टाइगर्स को जीत के लिए अब फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए देखना होगा। ऑपरेशन से बाहर वाइट का इशारा, एक एक रन बहुत बहुमूल्य, वाइट के सहारे स्कोर बोर्ड पे 26 2 विकेट पे बैटिंग कर रहे धर्मेश 13 रन पे,
अक्षय कुमार जैन टीम पे, बॉलिंग पे है आनंद दीक्षित, देखना होगा इस समय। बहुत शानदार आयोजन, वहां मुंबई इंडियंस जीत की तरफ बढ़ रही है। सारे शिखरात सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिलहाल नजर आते हैं इस समय इस मुकाबले पे 26-2 चुनौती है 68 रन की। देखना होगा रणनीति और कमाल संग्राम है ये। फिलहाल आखिरी 39 गेंदों में 41 रन चाहिए। क्या शानदार गेंदबाजी आनंद दीक्षित, वाकई में प्रभावित करते हुए अपने शानदार गेंदबाजी से। अभी भी 27 रन दो विकेट पे। अक्षय कुमार जैन सीधे साधे अक्षय नजर आए हैं आज। देखना होगा आक्रामक खिलाड़ी है, कई अच्छी पारियों में ऑलरेडी देख चुका हूं उनकी। देखना होगा इस समय हमारे से व्यवस्थाओं में और बढ़िया आयोजन में सहयोग कर रहे हैं सागर राइफल्स एमपीसीए के ऑफिशियल साथ का हमारे दो अंपायर जीतू सिंह जी और इन्हें भूमिका हमारे अंपायर की इस समय हमारे स्कोरर सचिन ठाकुर कमेंट्री बॉक्स में देखा। आप सबका हार्दिक अभिवादन मित्र। जबरदस्त मुकाबला, तेज हवाएं प्रभावित कर रही है जरूर थोड़े से खेल को। 27 स्कोर रुका हुआ, 2 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। बैटिंग अक्षय 3 पे, धर्मेश 14 पे, 11 गेंदों में 17 रन की साझेदारी। देखना होगा अब क्या आगे रणनीति रहती है। बढ़िया मुकाबला, खेल को शुरू के लिए रुका हुआ। फार्मा टाइगर्स को चाहिए 36 गेंदों में 41 रन। अब यहां से
छत्तीस में इकतालीस मुकाबला ऐसा लग रहा जैसे सेंसेक्स और निफ्टी के भाव उतार चढ़ाव लेते हैं शेयर मार्केट में। वैसे हालात बनो और बात करें समय के दरमियान छत्तीस में इकतालीस की बरकरार इस समय जीतने के लिए फार्मा टाइगर्स को वही विकेट की दरकार रहेगी। मुकाबले में वापसी करना अगर रिटेल सुपर टीम को सत्ताईस से तीन इस समय यह सुनतेहा फिलहाल गेंद को खेला जाता फील्ड की राय इस समय में विकेट और मिसफील्ड इस तरीके उम्मीद नहीं की जा सकती। लो स्कोरिंग मुकाबले में स्लाइड करते चले गए और गेंद निकल गए कंट्रोल लाइन से बाहर पर विकेट लॉन्ग बॉल से बीच से दोनों के चार रन। इकतीस रन तीन विकेट पे बेहतरीन चौका लगाया भुवनेश ने जीतने के लिए सैंतीस रन चाहिए। बॉलिंग पे है जाहिद राइट की गेंद इस बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए वाइड का इशारा अतिरिक्त रन की चाहिए बत्तीस रन तीन विकेट पे बत्तीस तीन पारी के पांचवें ओवर में। बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का रिटेल सुपर किंग और फार्मा टाइगर्स। फार्मा टाइगर्स को अड़सठ रन बना रहे हैं और अड़सठ के लक्ष्य के जवाब में बत्तीस रन तीन विकेट में पारी के पांचवें ओवर में शानदार माहौल खेल के लिए तेज हवाओं के बीच सेमीफाइनल दूसरा पहले ही मेडिसिन स्ट्राइकर्स फाइनल जो टीम जीतेगी मेडिसिन स्ट्राइकर से भिड़ेगी लेकिन आकर्षण के केंद्र बने हुए केमिस्ट लीजेंड्स आमने सामने होंगे। आज एक तरफ बट्टी सर दूसरी तरफ वर्मा जी आमने सामने ये जंग अलग प्रकार की जंग रहेगी। आप देखना होगा इस समय धीमी गति की फुल टॉस बॉल बीट हुए बल्लेबाज धर्मेश बत्तीस रन तीन विकेट पे दो बराबरी की टीमें हैं कुछ भी हो सकता है इस मैच में। कवरेज आशीष महेंद्रू सर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा इस आयोजन को कवरेज बेहतरीन किया जा रहा है। फिलहाल जो सामने खड़े हैं कृपया थोड़ा साइड हो जाए मैं आग्रह करूंगा आपसे। फिलहाल बत्तीस तीन पारी का यह पांचवा होगा देखना होगा। बैटिंग कर रहे धर्मेश और ओसा बीच मैदान में जाहिर बॉलिंग पे हैं इस सदर में अगली बार बाजार की घर में हस्ती आमने मैच में आमने सामने बॉलिंग वो भी मुकाबला बहुत निर्णायक रहेगा। फिलहाल खेला इस समय एक रन के लिए पॉइंट की तरह फिर सिंगल के सहारे चौंतीस पे तीन आधा सफर तय कर लिया है पारी के पांचवें ओवर में चौंतीस रन और बना रहे हैं अड़सठ रन की चुनौती है फार्मा टाइगर्स के लिए। देखना होगा बॉलिंग पर जाहिर इस ओवर में अगली बार लॉन्ग बॉल मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग इसे फील्डिंग की जमावट के साथ जाहिर है वापस से फिलहाल समय शॉट पांडे की तरफ दबाव देखिए विज्ञान के मुताबिक एक मिनट में धड़कन सामान्यतः बहत्तर बार धड़कती है लेकिन यहाँ धड़कन एक ज्यादा तेज है अस्सी पचासी नब्बे तक लेकिन सेमीफाइनल का बड़ा मैच है ये और
35 रन 3 विकेट पे पारी के 5वें ओवर में 32 गेंद में 33 रन चाहिए फार्मा टाइगर्स को, 7 विकेट चाहिए दूसरी तरफ रिटेल सुपर टीम को। इस बार हवा में शॉट देखना होगा मिड विकेट के ऊपर से, क्या कहने लाजवाब शॉट शेरन के लिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, हमारे मंच के शोभा और इस आयोजन में बात करें केमिस्ट परिवार की जाने वाली हस्तियां पधारी है और खुशी दुगनी हो जाती है, हमें हौसला देने पहुंचे हैं आदरणीय राकेश जैन सर। फिलहाल 5-41 पे 30 गेंदों में 27 रन चाहिए। इनिंग का छठा ओवर है ये, देखना होगा इस समय हमारे इस आयोजन में कई जाने वाली हस्तियां आ चुकी है। दवा बाजार आप जानते हैं वहां की चिर परिचित व्यक्तित्व, सभी आज आपस में खेलते नजर आएंगे। राकेश गोगी अभी की टीम खेल रही है, एक तरफ अजय वर्मा सर की टीम है और देखिए हमें कितना आशीर्वाद मिला आदरणीय राकेश जैन सर का, जो हमें अवगत कराते हैं कि चीजों को भी खुशी होती है जब आप परिवार में या किसी भी क्षेत्र में आप अभिभावकों के साथ बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, आपको बस सीखने को मिलता है। फिलहाल 29 गेंदे 21 रन चाहिए और एक गवाद को आए हैं शशांक गुप्ता, जिन्होंने एक डायरेक्ट हिट लगाया था फील्डिंग में। क्या आज गोल्डन आर्म बन पाएंगे, फॉर्म मैच का रुख बदल पाएंगे, देखना होगा। इस समय कमजोर दिल वाले भी मैच देखेंगे, अपनी केमिस्ट के साथ ही है, चिंता की कोई विषय नहीं है।
हर रोग की इलाज है इनके पास। बहुत ही शानदार आयोजन है। राकेश लोकिया जी की टीम जो उतरने वाली है, आदरणीय मनोहर आसुदानी सर होंगे उस टीम में, प्रेम तनवानी जी होंगे उस टीम में, नरेश जी नजर आएंगे, नरेश मोटवानी जी नजर आएंगे उसके बाद में। इसी में शानदार कैच लिया हमने विकेट पे, विकेट मिलता हुआ उस टीम में नजर आएंगे पंकज गुप्ता जी। अजय वर्मा सर की टीम में नजर आते हैं, जबरदस्त टीम है ये भी। गौरव जैन जी नजर आएंगे इस समय, इधर बाबू थोड़ी देर रुकते आपको पूरा पेमेंट दिलवाऊंगा मैं। राकेश रघवार जी नजर आएंगे इस टीम में, नदी चौहान, कई जबरदस्त सितारे हैं, निगाहें रहेगी इनके ऊपर भी। विकास मेडिकल, विकास जी खेलते हुए नजर आएंगे उस मुकाबले में। धुरंधर है ये खिलाड़ी अपने समय के, आज जिनके निगाहें रहेगी। कई लोग विशेष काम छोड़कर आए आपके मैच देखने में, बत्सर न्यूज विशेष तौर पर आया आपके कवरेज के लिए। जबरदस्त माहौल, फिलहाल बहुत चार विकेट पे 16 रन और चाहिए जीत के लिए। लगातार हमारे बीच बने हुए बहुत ही, आपको बता दें स्पोर्ट्स के जाने माने कोऑर्डिनेटर है, पीसीए के लिए भी अपना काम कर दे चुके हैं सेवाएं, और हमें लगातार अपना सहयोग देते हुए आए हुए तमाम बताएंगे का भी आभार भी कल। इस समय खुशी के क्षण है, ये सुपर संडे के दिन इतना शानदार मुकाबला। शशांक गुप्ता गोल्डन आर्म बनते हुए नजर आए हैं, विकेट दिलाए लेकिन काम अभी अधूरा है। इस बार हवा में शॉट खेला, हवाओं का साथ मिला है, क्या कहने, 6 रन सेफ टाइम किया था, ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं। अब सिर्फ 10 रन चाहिए जीतने के लिए। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है फार्मा टाइगर्स के खेमे में। सेमीफाइनल जीत कर फार्मा अगर फाइनल में पहुंचेगी, सामना होने वाला है मेडिसिन स्ट्राइकर्स से, बड़ा मैच रहेगा। आपको बता दें हमारा जो कि स्पॉन्सर डाबर एक ज्यादा कशम ब्रांड है डाबर, उनके द्वारा भी आकर्षक बात करेंगे दिए जाएंगे इस आयोजन में, तो बहुत बढ़िया माहौल रहने वाला। मेरा नाम विकास है, आवाज रेडियो पे लगातार आप आकाशवाणी को सुनते रहे हैं, और आप सबका पुनः अभिवादन। फिलहाल 24 घंटे 10 मिनट चाहिए। फिलहाल 24 घंटे 10 मिनट चाहिए। धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर हो रही है टीम। इस समय
बहुत मंजिल की तरफ धीरे धीरे टीम अग्रसर होती हुई 9 रन चाहिए इसी बीच गोल टॉस गेंद नो बॉल का इशारा आया पाएगा शेरन जीत की तरफ मंजिल की तरफ इस समय मुकाबला लगभग जीतने के दहलीज पर टीम आकर खड़ी है और ये मुकाबला यहीं से जीत लिया है फार्मा टाइगर्स ने एक बार जोरदार तालियां हो गए फार्मा टाइगर्स के लिए फार्मा टाइगर्स सेकेंड टीम बन गई है टाइगर उन्हें दस्तक देने वाली बहुत सारी शुभकामनाएं फार्मा टाइगर्स और मेडिसिन स्ट्राइकर्स को लेकिन सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के बाद दवा बाजार की जानी मानी हस्तियां यानी कि केमिस्ट लीजेंड्स आपके सामने होंगे रेड और येलो दो बड़ी टीमें एक तरफ वर्मा सर की टीम दूसरी तरफ घंटी सर की टीम आपने सामने होगी निगाहें रखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जुड़ रहे हैं लाइव एक्शन लेकर